हेलो दोस्तों, यम फूड में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं ब्रिंजल भरता और जवार रोटी। तो आज मैं यहाँ पे ब्रिंजल भरता डायरेक्ट फ्लेम पे सेक के नहीं बना रही हूँ, मैं उसे प्रेशर कुकर में कुक कर लूँगी वैसे बना रही हूँ। क्योंकि काफ़ी लोग ब्रिंजल भरता नहीं बनाते क्योंकि वो डायरेक्ट फ्लेम पे सेकना पड़ता है, बट ये मैं एक अलग तरीके से बना रही हूँ। जैसे कि मैंने ब्रिंजल को छोटे छोटे पीस में कट कर दिया है, अब मैं उसको प्रेशर कुकर में 3 सीटी बजा लूँगी। अब थोड़े आपको स्प्रिंग ऑनियंस लेने हैं, उसको बारीक बारीक चॉप कर लेना है। अब मैं जवार का फ्लोर ले रही हूँ। अब उसमें हॉट वाटर डाल के हम अच्छे से आटा गूंथ लेंगे। हमें आटे को बहुत मसल मसल के गूंथना है, तभी हमारी जवार रोटी एकदम सॉफ्ट बनेगी। अब इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रखेंगे। अब हमने जो ब्रिंजल तैयार किया था उसको हम प्रेशर कुकर में ही मैश कर लेंगे। अब हम ब्रिंजल भरता बनाने के लिए पहले हम पैन में थोड़ा सा गार्लिक क्लाव्स और ऑनियन डालेंगे, बाकी हम सारे स्पाइसेस ऐड करेंगे। थोड़ा टोमेटो डाल के हम इसको सौते कर लेंगे। अब जवार रोटी बनाने के लिए मैं हाथ से ही रोटी बना रही हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो, रोटी अच्छे से बड़ी हो रही है। आप चाहो तो उसे बेल के भी कर सकते हो दोस्तों। आपको बहुत सारे आटे का यूज़ करके ये रोटी को बनाना है। अब ये रोटी को हमको ऐसे ही सिकने देना है, हमें इसे प्रेस कर करके सेकना है दोस्तों, तो रोटी अच्छी फुली फुली तैयार होगी। अब जो हमने सब्जी रखी थी उसमें हम ब्रिंजल डाल देंगे और सबको अच्छी तरीके से मिला लेंगे। और 1-3 टेबलस्पून हम कर्ड डालेंगे दोस्तों। ये गुजराती रेसिपी है तो इसमें कर्ड डालना मत भूलिएगा, बहुत टेस्टी लगता है ये भरता। एक बार ऐसे ट्राई करके ज़रूर देखिएगा दोस्तों। अब थोड़ा सा गरम मसाला और जो हमने स्प्रिंग ऑनियन चॉप करके रखे थे वो हम डाल देंगे और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आप देख सकते हो कि सब्जी बहुत टेस्टी सी तैयार हुई है। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।